जनाब अभी जो है ना, वो मेरे बेटे ने मंगवाया था जी, अपनी बुक्स मंगवाई थी, कोई पार्सल आया अभी उसका, तो अभी वो गया है और उसका पार्सल पीछे से आ गया। तो चलो जी, हम इसको ओपन करते हैं कि जो उसने मंगवाया वो आया भी है कि नहीं आया। यहाँ भी मेरे बेटे ने मंगवाई थी बुक्स, शुक्र आ गई है, लेकिन अब इसमें मसला कि ये देखें जो प्रिंट नहीं हुई है, ये दो पेजेस हैं तो दो फिर एम्प्टी हैं, फिर अब इसके लिए मसला पड़ेगा। पहले आ नहीं रही थी, जब आई आई हैं तो इसके साथ ये है। ऑनलाइन में ना यही मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घर में खुश माशा अल्लाह एकदम फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। और आज जना बना रहे हैं हम झटपट सा जो है ना चार गोश्त, ठीक है, मेरे स्टाइल से। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, मेरे पास फ्रीज किए हुए टमाटर थे वो मैंने डाल दिए, और ये प्याज है आपके रंग इतना मोटा मोटा, तो ये जनाब इसको ग्राइंड ही करना है, तो इसलिए हम क्यों इतनी मेहनत करें बड़ी करने में। अदरक भी मैंने ऐसे ही डाल दिया, अगर पीसा हुआ तो डाल दें, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे ही लहसुन अदरक को डाल दिया। साथ मैंने डाल दिए ग्रीन चिलीज और साथ चिकन डाल दिया, और इसको डाल के हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जी ये पानी ऐड करेंगे, ठीक है, और बाकी पानी तो आपको पता ही है इन सब ने छोड़ना है। और फिर हम इसको ड्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, और फिर ड्राई करके हम इसको जो है ना ग्राइंड कर देंगे, और फिर हमारा झटपट सा चार गोश्त बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना वो रेडी हो जाएगा। चलेंगे स्टार्ट करते हैं हम। जनाब इसके अंदर हमने ये डाल दिया है जी नमक, ठीक है, और बस हम इसको ढक देंगे। अच्छा जी, अब देखें जी इसका ड्राई हो गया बिल्कुल, ये देखें जी टमाटर भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चिकन को लैदा कर देंगे, हरी मिर्चों को भी लैदा कर देंगे, और बाकी सबको हम ना मिक्स कर देंगे, ग्राइंड कर लेंगे यानी कि। चलिए जी, बाकी का काम हम बाद में करते हैं, अभी हम जो है नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज मगरिब, ठीक है, मगरिब का टाइम हो गया है, तो फिर हम अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी का भी काम करते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली ना मेरी नानों की रेसिपी है, ठीक है जी, और अचार को जो मैंने फर्स्ट टाइम खाया था ना, तो मैंने अपनी नानों से ही सीखा था और फिर उसके बाद घर पे बनाया था। जनाब इसके अंदर दही ले लिया अब हमने, ठीक है, और इसमें बेसिक सिर्फ ये दो मसाले ही डालेंगे, जो ये हल्दी और इसमें डलेगी जी मिर्च और गरम मसाला, ठीक है, और नमक हम बाद में ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था, तो वो हम देख लेंगे बाद में चेक कर लेंगे। और ये जी जनाब बस इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे तो इतने शौक से खाते नहीं है ये, क्योंकि मेरे छोटे वाले को तो मसला होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कम ही डाला, तो इसके बगैर तो अचार गोश्त का तो नाम ही नहीं हो सकता। तो हमने सौंफ लेनी है थोड़ी सी, और कलौंजी लेनी है, और मेथी लेनी है, और इसको हम डाल देंगे इसी ऑयल के अंदर। अच्छा, ये है मेरी नानों की सीक्रेट रेसिपी, जो अपने मैंने फ़र्स्ट टाइम अचार गोश्त खाया था ना, तो मतलब वो मैंने अपनी नानों के घर में खाया था, और फिर मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि मैंने घर आकर जो है ना उनको फ़ोन किया, उस टाइम पे मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा बड़ा अच्छा बना हुआ था, फिर मैंने मामा से कहा मामा मुझे भी बनाना है, इस टाइम मुझे बड़ा अच्छा हो रहा था। वो कहते हैं ना नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रही थी, 9th 10th में होंगी जिस टाइम पर ये मैंने खाया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था उस टाइम पर। और तो फिर मैंने नानों को फ़ोन किया, मैंने उनसे रेसिपी पूछी, फिर उन्होंने मुझे रेसिपी बताई, उस टाइम से रेसिपी पूछी, फिर उन्होंने मुझे रेसिपी बताई। उस टाइम पे तो ये जो पैकेट वाले मसाले थे वो कोई नहीं डालते थे, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे घर में नमक मिर्च और हल्दी ये डलती है, बस उसी के साथ गर्म मसाला ऊपर से डाल के बस ये बनाया था, और बड़ा टेस्टी किस्म का जो है ना वो बना था। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने वो मिक्सर वो भी डाल दिया जो मैंने ग्राइंड किया था, मिक्सचर टमाटर प्याज का, ठीक है, और उसके बाद जो है ना जनाब यहाँ पे मैंने दही के अंदर जो वो मसाले डाले थे तीन, ऐसा बनता है, टेस्टी बनता है। हम इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करके ना वो सालन की वो सारे कुछ ना खसूसियात जो होती हैं ना उसका जायका वो सब ख़त्म हो जाता है, और वैसे भी वो किसी किसी में अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के अंदर आप सारे के सारे मसाले ऐड कर दें। तो खैर से जनाब उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके से बनाया था, और मैंने भी उसी तरीके से टेस्ट किया है। बस वो कहते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं, तो हमने ग्राइंड कर लिया, उन्होंने ग्राइंड नहीं किया था, वो उसी के अंदर चिकन के साथ ही प्याज जब बनता है और उसको उसी तरीके से भून लेते हैं, तो वो एक अलग सा एक आता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इसका बिल्कुल मसाले को बिल्कुल ही वो कर लें, और या फिर आप थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रखें, तो ये आपके ऊपर चॉइस होती है। और बस इसके ऊपर हल्का सा लीमू एंड पे डालेंगे, मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था नान लेने के लिए कि बस खाना जो था वो हमारा रेडी हो गया था, थोड़ा सा नमक इसमें टेस्ट किया था तो वो थोड़ा हल्का था, तो मैंने दोबारा
से डाल दिया था क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाला हुआ था। तो खैर से जनाब, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते हो। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जो कि मेरी नानों की है, और आप भी बताएँ कि आपने भी कभी सीखी अपनी नानों से कोई ऐसी रेसिपी जो आपने खुद ट्राई की हो उसके बाद। अच्छा जी, मेरा आइसक्रीम चाट खाने को मन कर रहा था तो मैंने जो है ना वो ऑर्डर कर दिया था आइसक्रीम चाट खाने के, वो जनाब आई इतनी लेट कि आते आते खाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में खाती हूँ। यहाँ मुझे वैसे देख कर आने गया, मैंने कहा सर एक दो बाइट ले ही लेते हैं, और मैट देखो आइसक्रीम कैसे हो गई है। देखेंगे आज जो है कितने अरसे के बाद जो है ना बाहर हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है। और जनाब यह आंधी चली है, और उसके बाद जी जनाब बारिश स्टार्ट हो गई, और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इस तरीके से आंधी चली थी और बारिश हुई थी, वरना दो चार दिन से ना मौसम ऐसा हो गया था कि बादल तो आ जाते थे, ऐसा लगता था कि बारिश होने वाली है, शायद कहीं किसी इलाके में हुई भी हो, लेकिन हमारी तरफ तो ऐसा होता था कि बिल्कुल ब्लैक काला बादल आ जाता था, लेकिन बारिश नहीं होती थी, बरसता नहीं था। तो खैर से जनाब इसके बाद खूब सारी जो है ना वो बारिश हुई थी। और जनाब अब हम खाने लगे हैं जी खाना, ठीक है जी। नान ले आई मेरे हस्बैंड, तो खाना खाते हैं। और जनाब अब हम खाते हैं जी अपनी आइसक्रीम चाट। और जनाब ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी ये आइसक्रीम चाट इन्जॉय करती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।